गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको रेशनल नंबर के बारे में बताने वाले हैं। लास्ट की दो वीडियो में भी मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में ही बताया है, बट इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन रेशनल नंबर से रिलेटेड सॉल्व करवाएंगे। तो चलो आइए देखते हैं उनको। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, एक्सप्रेस 3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। आपको रेशनल नंबर 3/5 को एक्सप्रेस करना है और जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 20 हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि आपको 3/5 को एक्सप्रेस करना है न्यूमरेटर जिसका 20 हो उसके फॉर्म में। तो हम पहले लिखेंगे फ्रैक्शन 3/5 इक्वल टू, अब आपको देखना है नीचे डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। अब हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 20 हो जाए। तो ऑफकोर्स अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 हो जाएगा। तो नीचे आपका डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। तो जिस भी नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी भी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 12 5 4 20। तो आपका जो रेशनल नंबर होगा 12.20 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेशनल नंबर आपको सेकेंड क्वेश्चन में रखना है -20। आपको 3/5 को एक्सप्रेस करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, -20 हो। तो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5 और हमें डिनोमिनेटर लाना है -20। तो हम क्या करेंगे, नीचे आपका 4 आपका 5 है, तो हम 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा। बट हमें -20 लाना है डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम नीचे डिनोमिनेटर 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 3 को भी, न्यूमिरेटर को भी -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मींस ऊपर और नीचे, मींस न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। मींस 3 4 12 प्लस माइनस माइनस -12 अपान 5 4 20 प्लस माइनस माइनस -12 अपान -20, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका 45। आपको 3/5 को एक्सप्रेस करना है जिसका डिनोमिनेटर 45 हो। तो मेरे पास फ्रैक्शन है 3/5। 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो नंबर हो 45 मिल जाए। तो ऑफकोर्स अगर हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा और सेम उसी नंबर से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। 3 9 27 अपान 5 9 45, आपको जो फ्रैक्शन होगा 27/45। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर 25 रखना है और आपके पास फ्रैक्शन है 3/5। डिनोमिनेटर मींस नीचे आपको रखना है 25। तो हमारे पास है 5, अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा 25 हो जाएगा। तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 5 5 25। आपका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 15/25। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका है -35 है। अब -35 आपको लाना है डिनोमिनेटर, आपके पास फ्रैक्शन है 3/5। तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से और नीचे भी -7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 21, यहाँ आपका 12 लिखा है उसको थोड़ा आपको करेक्ट करना है, यहाँ आपका होगा 21 होगा। 3 7 21 -21 अपान 5 7 35, तो -35 होगा। -12 -21 अपान -35। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको करेक्ट करना होगा, थोड़ा यहाँ 12 लिखा है बट आपको लिखना है 21, -21 अपान -35। फिर बात करते हैं हम 11th क्वेश्चन की। आपको 11th क्वेश्चन देखना है, एक्सप्रेस 4/7 एज अ रेशनल नंबर विद द न्यूमरेटर। आपको न्यूमरेटर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था वहाँ डिनोमिनेटर, बट यहाँ आपको न्यूमरेटर रखना है 12। आपके पास फ्रैक्शन है 4/7 और आपको न्यूमरेटर रखना है 12। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 है, 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो नंबर हो 12 हो जाए। तो हम अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 हो जाएगा और उसी नंबर से हमें नीचे भी मीन्स डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12 अपान 7 3 21। आपका जो फ्रैक्शन होगा 12/21 होगा। फिर बात करते हैं हम, अब जितना आपको 12 वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, 12 थर्ड क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आपको -16 लाना है न्यूमरेटर को। आपके पास फ्रैक्शन 4/7 है, आपको न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला जो टर्म है उसको -16 लाना है। आपके पास है 4, अब 4 को अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 4 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सेम नंबर से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 तो 7 4 28 प्लस माइनस माइनस। तो आपको जो फ्रैक्शन होगा -16/-28 होगा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, फिफ्थ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आपको न्यूमरेटर रखना है 20, आपके पास फ्रैक्शन है 4/7। अब हम 4 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला नंबर होगा मीन जो न्यूमरेटर होगा 20 हो जाएगा, 5 4 20, और 7 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जो नंबर होगा ये 7 5 35। आपको
जो आंसर होगा 20/35, ये आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।